हेलो एवरीवन, आज की अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा टेस्ट फॉर फैट प्योरिटी, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी फैट की या ऑयल की प्योरिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। कोई भी फैट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसके कुछ एक पैरामीटर हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसका अमाउंट हम चेक कर सकते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट चेक कर सकते हैं, फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है या नहीं है वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ वोलेटाइल नेचर के फैटी एसिड भी हम चेक कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा टेस्ट है जिसमें हम ये चेक करते हैं और क्या बेसिक इनका कंसेप्ट रहेगा। तो सबसे पहला जो टेस्ट या मेथड अपने पास वो क्या है, टू कैलकुलेट आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, अनसेचुरेशन का पता लगा सकते हैं फैटी एसिड का। होता क्या है आयोडीन नंबर, तो समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि आयोडीन नंबर जो है वो है ग्राम ऑफ आयोडीन। कौन सा ग्राम ऑफ आयोडीन जो कि अब्जॉर्ब किया जा सकता है, किसके द्वारा, 100 ग्राम ऑफ फैट के द्वारा। 100 ग्राम फैट जितना आयोडीन कंज्यूम कर सकती है, अब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, आयोडीन नंबर बोलेंगे। समझते हैं, कोई एक फैट है जिसका नाम क्या है, ए। मान लेते हमने क्या किया, 100 ग्राम ए फैट ले ली। उसके बाद हमने चेक किया कि ये क्या कर सकती है, 10 ग्राम आयोडीन को अब्जॉर्ब कर सकती है। अगर 10 ग्राम आयोडीन को ये 100 ग्राम फैट अब्जॉर्ब कर सकती है तो हम बोलेंगे जो ए फैट है उसका आयोडीन नंबर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो कितने ग्राम आयोडीन अब्जॉर्ब किया जा सकता है 100 ग्राम फैट के द्वारा, उसको हम बोल देंगे क्या, आयोडीन नंबर। यूज क्या करते हैं हम, क्या चेक करते हैं इससे, तो आयोडीन नंबर का हम यूज करते हैं टू नो अबाउट रिलेटिव अनसेचुरेशन ऑफ फैट। अगर कोई दो फैट हमारे पास है ए और बी, हमको चेक करना है इनमें से कौन सी ज्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें, ये अनसेचुरेशन जो है कौन सी फैट का ज्यादा रहेगा। तो मान लेते हैं आयोडीन नंबर जो है, आयोडीन नंबर ए का रहेगा 10 और बी का रहेगा 20, तो हमको पता करना कि कौन सी इनमें से ज्यादा अनसेचुरेटेड फैट है। तो यहां पर बताया गया है जो आयोडीन नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंटेंट ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के। मतलब कि जितना ज्यादा आयोडीन नंबर रहेगा उतनी ज्यादा क्या रहेगी, अनसेचुरेशन रहेगी। अगर आयोडीन नंबर ज्यादा है तो उसके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट ज्यादा है या फिर वो क्या है, अनसेचुरेटेड फैट है। तो इस एग्जांपल को हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, फैट बी इज मोर अनसेचुरेटेड, क्या है बी, क्या है मोर अनसेचुरेटेड फैट है देन ए। तो जो बी वाली है वो क्या रहेगी, ज्यादा अनसेचुरेटेड फैट रहेगी जब हम उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए के साथ। तो यही बताया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आयोडीन नंबर कम रहेगा तो उसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी क्या रहेगी, कम रहेगी। उसके बाद बताया गया जो आयोडीन नंबर है वो एक फैट या ऑयल के लिए फिक्स होता है। जैसे अगर हम बटर की बात करें तो बटर के लिए जो आयोडीन नंबर है उसकी रेंज दी गई है 25 से लेकर 28 तक। अब बात आती है अगर इस वैल्यू से ऊपर या नीचे आयोडीन नंबर है तो उसका मतलब क्या रहेगा। अगर आयोडीन नंबर इस रेंज से बाहर रहेगा तो हम बोल सकते हैं उसके अंदर क्या हो रखी है, अडल्टरेशन हो रखी है। अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, क्या होता है, मिलावट। अगर किसी भी फैट या फिर ऑयल के अंदर मिलावट हो रखी है तो उसका आयोडीन नंबर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, जो इस गिवन वैल्यू से अलग रहेगा। तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि किसी ऑयल या फैट में मिलावट हो रखी है या फिर नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन नंबर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास आता है सेकंड, सेपोनिफिकेशन नंबर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेपोनिफिकेशन क्या होता है, तो उसमें हमने देखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट या टीजी पर हमने पढ़ा था ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, उसका हाइड्रोलिसिस हो किसकी प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में, और क्या बन जाए, सोप बन जाए। तो इस प्रोसेस को हमने बोला था सेपोनिफिकेशन। यहाँ पर सेपोनिफिकेशन नंबर क्या बताया गया है, यहाँ पे बोला गया है
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि रिक्वायर्ड रहेगा किसके लिए, हाइड्रोलाइज करने के लिए, किसको, 1 ग्राम फैट के लिए। मतलब कि कितने एमजी, कितने मिलीग्राम KOH चाहिएगा हाइड्रोलाइज करने के लिए 1 ग्राम फैट को, तो उसको हम बोलेंगे सेपोनिफिकेशन नंबर। यूज किसके किसके लिए करते हैं, तो इट इज यूज्ड टू मेजर एवरेज मोलिकुलर साइज ऑफ फैटी एसिड्स। जो भी फैटी एसिड प्रेजेंट रहेंगे किसी फैट या ऑयल में, उसका एवरेज मोलिकुलर साइज चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेपोनिफिकेशन नंबर यूज करते हैं। यहाँ पे बताया गया, अगर कोई जो अगर किसी फैट का सेपोनिफिकेशन नंबर क्या रहेगा ज्यादा, तो उसका मतलब है उसके अंदर क्या है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज्यादा है। कोई भी फैट अगर ऐसी है जिसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज्यादा है, तो उसका सेपोनिफिकेशन क्या रहेगा, नंबर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे सेपोनिफिकेशन के बारे में इतना बताया गया है। साथ के साथ ये सेपोनिफिकेशन नंबर दिया गया ह्यूमन फैट के लिए, बटर के लिए या कोकोनट ऑयल के लिए, ये आपको याद नहीं करना है। उसके बाद तीसरा जो मेथड है, तीसरा मेथड है रिचर्ड मीजल नंबर, आरएम नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो रिचर्ड मीजल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलेंगे कि कितने एमएल केओएच चाहिएगा, कितने एमएल KOH चाहिएगा क्या करने के लिए, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको, वोलेटाइल फैटी एसिड को, कौन से वोलेटाइल फैटी एसिड जिनको हम डिस्टिल करके लेके आए हैं, कहां से, 5 ग्राम फैट के अंदर से। समझिएगा क्या है, 5 ग्राम फैट हमने ली स्टार्टिंग में, 5 ग्राम फैट में से जो हमने डिस्टिलेशन की प्रोसेस के द्वारा सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड निकाले हैं, उन वोलेटाइल फैटी एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करवाने के लिए जितने एमएल केओएच की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे आरएम नंबर। तो आरएम नंबर क्लियर है यहां तक कि केओएच कितने एमएल चाहिएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको, सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड को, जो कि हमने निकाले कहां से, 5 ग्राम फैट से। उसके साथ साथ जो KOH है उसकी कंसंट्रेशन भी आपको दी गई है, तो किसकी कंसंट्रेशन है ये KOH की, जो कि चाहिए होता है, और वो कितनी है, 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल KOH की बात यहाँ पे की गई है। तो आरएम नंबर यूज क्यों करते हैं, तो ये टेस्टिंग की जाती है प्योरिटी ऑफ बटर की, बटर की प्योरिटी चेक करने के लिए हम आरएम नंबर यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो अपने पास ये है बटर, जो है बटर के अंदर वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता क्या है, जहां पर भी वोलेटाइल वर्ड आएगा उसका मतलब सेम रहेगा, और वो होता है कि उसको हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट अगर कर सकते हैं उसको, तो उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। जैसे कई जगह हम देखते हैं कि वोलेटाइल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनको डायरेक्ट लिक्विड से अपने पास क्या है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सके, उनको बोलते हैं वोलेटाइल। तो ऐसे फैटी एसिड जो कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड। अब जैसे यहाँ पे बात की गई है जो बटर है उसके अंदर अच्छी कंसेंट्रेशन पाई जाती है किसकी, वोलेटाइल फैटी एसिड की। और यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए इससे कि जो बटर है, बटर के अंदर कौन से वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है ब्यूटायरिक एसिड, पहला है ब्यूटायरिक एसिड, दूसरा है कैप्रोइक एसिड, और तीसरा है कैप्राइलिक एसिड। तीसरा क्या है, कैप्राइलिक एसिड। तो ये क्या है, अपने पास वोलेटाइल फैटी एसिड है जो कि फैट के अंदर, बटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बटर के तीन यहाँ पे एसिड बता रखे हैं फैटी एसिड जो कि वोलेटाइल नेचर के हैं। यहाँ पे साथ के साथ बताया गया है कि बटर में तो अच्छी खासी कंसेंट्रेशन होती है वोलेटाइल फैटी एसिड की, लेकिन जो दूसरे फैट या ऑयल है जो हम कंज्यूम करते हैं उनके अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट मिलता है। नेग्लिजिबल मतलब कि जीरो के आसपास ही बोल सकते हैं कि काफी कम अमाउंट मिलता है वोलेटाइल फैटी एसिड का। आरएम नंबर जो है
बटर के लिए वो यहाँ पे बता रखा वो कितना होता है, अराउंड 25 to 30 होता है। उसके बाद बताया गया है कि जो एडिबल ऑयल है उनके लिए लेस देन 1 होता है। और रिचर्ड अपने पास रिचर्ड मिजल नंबर जो है इसको हम यूज कर सकते हैं टू चेक अडल्ट्रेशन ऑफ बटर। अगर बटर की मिलावट हमको चेक करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आरएम नंबर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता अपने पास फोर्थ जो है और लास्ट नंबर है, इसको बोलते हैं एसिड नंबर। इसमें बताया गया है कि कितने mg KOH चाहिएगा, रिक्वायर्ड रहेगा किसके लिए, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको, फ्री फैटी एसिड को। कौन से फ्री फैटी एसिड, जो कि 1 ग्राम फैट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अगर 1 ग्राम फैट या फिर ऑयल जो है उसके अंदर के जो फ्री फैटी एसिड है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने मिलीग्राम KOH चाहिएगा, रिक्वायर्ड जो रहेगा उसको हम बोलते हैं एसिड नंबर। उसके बाद बताया गया जो रिफाइंड ऑयल है वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए किससे, फ्रॉम एनी फ्री फैटी एसिड। मतलब कि जो रिफाइंड ऑयल है उनके अंदर कोई भी फ्री फैटी एसिड नहीं मिलना चाहिए। और अगर कोई ऐसा ऑयल या फैट है जिसका इंक्रीज्ड नंबर देखने को मिले, इंक्रीज्ड एसिड नंबर अगर हो रखा उसका, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या हमारे लिए अनसेफ है और हमको ये कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो 4 नंबर हमने पढ़े हैं, कौन कौन से 4 नंबर है। सबसे पहला अपने पास सपोनिफिकेशन नंबर, दूसरा है एसिड नंबर, तीसरा है रिचर्ड मिजल नंबर और चौथा है आयोडीन नंबर। तो इस सीक्वेंस में अभी हम इनको याद करेंगे, SARI हमने यहाँ पे लिखा, 4 नंबर जो हमने पढ़े हैं इनको आसान बनाते याद करने के लिए। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेपोनिफिकेशन नंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे एसिड नंबर, फिर लिखेंगे हम आरएम नंबर और लास्ट में लिखेंगे आयोडीन। तो ये 4 नंबर हमको याद करने हैं। तो अपनी टेबल बनेगी जो हमको याद करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने सारी की सारी जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें क्या पढ़ा हमने, कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब कि जो अब्जॉर्ब किया जाए या फिर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा जो सेपोनिफिकेशन नंबर था उसमें क्या था अपने पास, KOH। एसिड नंबर में भी क्या था, KOH। रिचर्ड मिजल नंबर में भी क्या था, KOH। लेकिन आयोडीन नंबर में क्या था, आयोडीन। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट 3 है उनमें क्या है, KOH। KOH के बारे में बताया गया है कि KOH कितना रिक्वायर्ड रहेगा और आयोडीन में क्या बताया गया है, आयोडीन कितना अब्जॉर्ब किया जाएगा, किसके द्वारा चाहिएगा या किसके द्वारा अब्जॉर्ब किया जाएगा, वो क्या चीज है, वो अपने पास फैट है। वो क्या है, फैट है। लेकिन कितनी फैट, स्पोनिफिकेशन नंबर में क्या है, 1 ग्राम फैट। कितनी है, 1 ग्राम फैट। एसिड नंबर में कितनी है, 1 ग्राम फैट या ऑयल। उसके बाद आरएम नंबर में क्या है, 5 ग्राम फैट। कितनी है, 5 ग्राम फैट। और आयोडीन नंबर में क्या है, 100 ग्राम फैट है। तो ये क्या रहेगा, 1 1 500, 1 1 5 और 100। दूसरी अपने पास ये चीज है याद करने की। उसके बाद जो चीज है, उसके बाद क्या देखना हमको कि जैसे फर्स्ट में क्या आया, ये थी सिंपल फैट थी। एसिड नंबर में क्या आया, एसिड नंबर वाले में आया था अपने पास फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड आया था। और आरएम नंबर में क्या था अपने पास, वोलेटाइल, वोलेटाइल फैटी एसिड। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, वोलेटाइल किस में आए थे, आरएम नंबर में। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि वोलेटाइल फैटी एसिड वो होते हैं जिसको गैसियस स्टेट में आसानी से कन्वर्ट करवा जा सके। अब देखो, गैसियस स्टेट में आ गए तो वो कहां चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे। एयर में चले गए तो मतलब कि वो उड़ेंगे, फ्लाई करेंगे। और फ्लाई कौन कर सकता है, देखो 4 नंबर जो आपके पास है, अगर इनमें से पूछ लिया जाए वोलेटाइल का जिक्र किस में किया जाता है या किससे रिलेटेड है, तो आप देखोगे एक साइंटिस्ट का नाम एक सिर्फ आरएम नंबर में ही आया हुआ है। और ऐसा तो है नहीं कि सेपोनिफिकेशन नंबर, एसिड नंबर या आयोडीन नंबर में कोई साइंटिस्ट का नाम है। और फ्लाई कौन कर सकता है, कोई ह्यूमन बींग ही कर सकता है। आयोडीन और एसिड नंबर और सेपोनिफिकेशन तो कर नहीं सकते। तो हम इसको रिलेट कर देंगे कि कहीं पर अगर किसी का नाम अगर आ रखा है तो वो किससे रिलेटेड कर दोगे, उसको हम रिलेट कर देंगे किससे,
वोलेटाइल फैटी एसिड से कि वो उड़ सकते हैं, क्योंकि वो गैसीय स्टेट में जा सकते हैं, और गैसीय स्टेट में कौन जाएगा, वोलेटाइल फैटी एसिड जाएंगे। उसके बाद हमको देखना है, उसके बाद क्या देखना था कि जो आयोडीन नंबर है, जो आयोडीन नंबर है कहाँ चला गया, जो आयोडीन नंबर है, आयोडीन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड के। मतलब कि हम आयोडीन नंबर किसके लिए यूज करते हैं, अनसेचुरेशन अगर चेक करनी है किसी फैटी एसिड की उसके लिए। उसके बाद आरएम नंबर किसके लिए, के लिए डायरेक्ट अगर पूछ ले जाए तो ये प्योरिटी ऑफ बटर के लिए हम बोल सकते हैं, जो डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद फ्री फैटी एसिड के लिए हमने ये डिस्कस कर लिया। हाँ, अगर एसिड नंबर ये पूछ लिया जाए, एसिड नंबर इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज्ड, कौन सा अच्छा है या कौन सा अनसेफ है, तो ये ध्यान रखना, अगर इंक्रीज्ड एसिड नंबर है तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, अनसेफ रहेगा। उसके बाद सेपनिफिकेशन नंबर में बताया गया कि अगर ज्यादा सेपनिफिकेशन नंबर है तो उसमें क्या रहेंगे, शॉर्ट फैटी, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है वो ज्यादा रहेंगे, शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे अगर सेपनिफिकेशन नंबर ज्यादा है तो आई थिंक ये आपको काफी हेल्प करेगा, इतना समझाया हुआ तो ठीक है। आपको ये चार, जो चार टेस्ट है ये आपको ध्यान रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी चांस होते हैं। अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको चाहिए कि और अच्छे डिटेल से चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो आज की अपनी लिपिड का जो थर्ड चैप्टर था उसका ये फिफ्थ पार्ट था, फिफ्थ था आई थिंक, फिफ्थ या फोर्थ, तो नेक्स्ट का फिफ्थ पार्ट था अपना ये, ठीक है। तो पांच पार्ट अपने इस चैप्टर के हो रखे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे लिपिड पार्ट के सिक्स्थ पार्ट के साथ, लिपिड चैप्टर के सिक्स्थ पार्ट के साथ। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।